वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। आज मैं आपको बताऊंगा लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी टू क्लियर एनी एग्जाम, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या फिर कैसे हम आखिरी के 10 दिनों में हम पढ़ाई करें जिससे कि हम जो कट ऑफ आने वाली है उसे क्लियर कर जाए, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने ये वीडियो ओपन ही की है देखने के लिए तो पूरी देखिएगा, क्योंकि हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अगर आप आए हैं तो अच्छे से देख के समझ के जाइएगा और अपना उसी तरीके से टाइम टेबल बनाइएगा जो आपको हेल्प करेगा आपको पढ़ने में, कि लास्ट के दिनों में आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे वर्क करना चाहिए चीज़ों पे जिससे कि आप कम समय में अच्छे एफर्ट्स कर सको, आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, उन चीज़ों पे ध्यान रखना है, उन चीज़ों को करना कैसे है, क्या करना है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने एक चार्ट बनाया है, उसके थ्रू आपको समझा रहा हूँ क्या क्या करना है आपका। हो सकता है मैं ये दिल्ली पुलिस को लेके बनाया, अगर आपको किसी और दूसरे एग्जाम पे चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर बना कर वीडियो डाल दूंगा। मैं दिल्ली पुलिस पे काफ़ी 10 दिनों से कवर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों ने बोला था, इस वजह से मैं उन चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उससे बोलने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, कल 2 वीडियो डाली गई थी हिस्ट्री, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो थी एंशियंट इंडिया हिस्ट्री से। ठीक है, वो वीडियो मैंने नहीं डाली थी, एक टीचर है जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोचिंग वगैरह तो नहीं देते, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने डाला, लेकिन आपने उस नोट्स की जो उन्होंने बताया उनकी क्वालिटी देखी होगी कि कितना डीपली जाके देखा, क्योंकि बच्चे कहाँ से पढ़ते हैं, जो बच्चे हैं वो पढ़ते कहाँ से हैं, ल्यूशेंट बुक्स कहाँ से पढ़ते हैं, ल्यूशेंट से या फिर एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी तो सॉरी एनसीईआरटी उठाता नहीं है, या फिर अरिहंत वगैरह बुक ले आते हैं, प्रीवियस पेपर पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर की नॉलेज मिलती है, लेकिन जितना उन्होंने डीपली जाके बताया और जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको वो सब चीज़ें उनमें मिलेगी। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा, मैं उन्हें कंटिन्यू रखूंगा, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो इट्स ओके, आपको वीडियो मिल जाएगी एंशियंट इंडिया हिस्ट्री स्पेशल में, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, नोट्स ऐसे ही सर्कल बना के नोट्स बताए, एक एक चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की है। चलो अब बात करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, अब क्या करें हम कि जिससे कम टाइम में ज़्यादा एफर्ट कर सके। पहली चीज़, हमारे हमें 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 देखना है कि हमारे एग्जाम में सब्जेक्ट्स कितने हैं जिनसे हम वहाँ पे अटेंड करने वाले हैं। हमारे 3 सब्जेक्ट हैं दिल्ली पुलिस में, जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग। जीएस कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स, जीएस 50 नंबर की है, मैथ्स इज ऑफ 15 मार्क्स एंड रीजनिंग इज ऑफ 35 मार्क्स। मतलब जो भी खेल होना है, जो सबसे ज़्यादा एफर्ट करने हमें इन 2 सब्जेक्ट्स में करने हैं, जीएस एंड रीजनिंग, इन्हें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जीएस और रीजनिंग को थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, मैथ्स को थोड़ी कम भी देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि पूरा जो गेम है, जो पूरा एग्जाम है वो किस पर है, जीएस और रीजनिंग पे। और आपको पता है जीएस किसी की अच्छी नहीं होती, जीएस किसी की अच्छी नहीं होती। ठीक है, आप उस पर कितनी भी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं आपका लक अच्छा है तो शायद हो सकता है जो आपने पढ़ा है वही आ जाए। जीएस 50 मार्क्स का आएगा, 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से होंगे, 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होंगे, तो अपने लास्ट 3 मंथ्स, ज़्यादा नहीं, सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स, जब एग्जाम हो रहा होगा उसके लास्ट 3 मंथ्स उठाइए और पढ़ लीजिए। दिल्ली पुलिस का है तो 1 लाइनर्स क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, 1 लाइनर्स क्वेश्चन की कोई बुक लाइए पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वो 3 आप 4 में से कम दो दो तीन तो कर ही लेंगे। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स आते हैं तो आपको जो जीएस पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना और रीजनिंग, टोटल टाइम कितना होना चाहिए तो लास्ट के दिनों में 5 to 7 आवर्स, लास्ट के जब 10 दिन बचे हो कम से कम आपका टाइम होना चाहिए रोज़ 5 से 7 घंटे का। ठीक है, जिसमें से दिल्ली पुलिस के हिसाब से बात करते हैं 2 घंटे रीजनिंग को दो। ठीक है, 2 घंटे रीजनिंग को इसलिए बोलो क्योंकि अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली रीजनिंग के साथ तो शायद आप 35 ला सकते हैं अगर आपने रीजनिंग पे मेहनत की, क्योंकि यहाँ पे फ्री के मार्क्स से सिर्फ 2 क्वेश्चन आप देखेंगे जो आपसे शायद है वहाँ पे नहीं निकलेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हो सकता है कि आपसे ना निकले, क्योंकि वो कुछ पेपर इस तरह से सेट करते हैं कि आपसे सारा नहीं करवाना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो सकता है जो आपको परेशान करे तो उन्हें छोड़ना है, क्योंकि एक चीज़ होती है जो एक अच्छा बैट्समैन होता है उसे पता होना चाहिए कौन सी बॉल बैट से खोलनी है, कौन सी पैड से और कौन सी बॉल खाली छोड़नी है। तो वैसे ही जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कब अटैम्प्ट करना है,
कितना टाइम देना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो मार खा जाओगे, कभी कामयाब नहीं होगे। सिर्फ वही क्वेश्चन करना, क्योंकि सब कुछ नहीं आता है हमें, हमें सब कुछ नहीं आता है। ध्यान से सुनिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देना है कि ये हमसे नहीं होगा, तो उस पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है? तो 15 मिनट का गैप देना है। अगर आपको मतलब कुछ बंदे होते हैं सिर्फ 1 घंटा देख 1 घंटा पढ़ने के बाद और बोलते हैं सर अब हमसे नहीं पढ़ा जाता, बोर होने लगते हैं, ठीक है? तो 15 मिनट का गैप ले, गाना सुने, कुछ भी करे, कुछ इंटरेस्टिंग सा, जिससे कि माइंड रिलैक्स फील करे, रिफ्रेश हो जाओ आप। उसके बाद कुछ चाय वगैरह कुछ ले लो जो आपको अच्छा लगता हो, चाय कॉफी दूध कुछ भी। 15 मिनट का गैप ले, लेकिन उस 15 मिनट के अंदर, उस 15 मिनट के अंदर आपको कोई मूवी नहीं चलानी। अगर टीवी पे देखने जाते हो तो मूवी मत देखिएगा, क्योंकि मूवी अगर आप देखने जाओगे तो क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट आएगा और 15 की जगह आप 20-30 मिनट, क्योंकि आप मूवी तभी देखिए टीवी पर जब आपको पता हो कि आपके पास टाइम है। और आपके पास अब टाइम नहीं है तो गलती से मूवी का चैनल मत लगाना अगर आपको अपना पढ़ना है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आएगा और आप उसे देखते ही चले जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट, हर मतलब देख लीजिएगा, आपको 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद गैप देना है बीच में। रीजनिंग को 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे या 2 से 2.5 घंटे जीएस को देने हैं, ठीक है? 110% मैंने कुछ वीडियो डाली है, उन्हें देखिए और मेहनत करिए सब, और मुझे बताइए किस चीज़ पे मैं आपके साथ मेहनत करूँ, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मुझे पता कैसे लगेगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आपको वो चीज़ें कराऊँ जो आपके लिए ज़रूरी हो, वो नहीं कि जिससे आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी, समझ रहे हो? दूसरा, मैथ्स, मैथ्स को देना है 1.5 से 2 घंटा, क्योंकि 15 नंबर का आ रहा है और वो भी बेसिक्स चीज़ें आएंगी, बस थोड़ा सा घुमाएंगे। और मैथ्स के लिए मैं वीडियो आज अपलोड करूंगा 2-3 घंटे बाद, उसकी मैंने कल बनाई है टाइम एंड वक्त से, तो वो वीडियो मैं 2 घंटे बाद अपलोड करूंगा, देखिएगा, वहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। और जीएस में, ठीक है, अब कैसे कैसे हमें स्कोर करने हैं, मार्क्स किस प्रकार से होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन कट ऑफ क्लियर कर जा रहा हो, ठीक है? जीएस पता है 50 मार्क्स का है, जिसकी जीएस थोड़ी, जिसे जीएस में प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसे जीएस में प्रॉब्लम है उसे 35+ लाने हैं। कैसे लानी है आई डोंट नो, मेहनत करो, बहुत दिन है अभी, अभी ये वीडियो मैं 15 दिन पहले डाल रहा हूँ, लेकिन ये लास्ट 10 डेज की बता रहा हूँ मैं कि कैसे होनी चाहिए। 35+, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, प्रीवियस पेपर सोल्व करो, ठीक है? तो आएंगे। और जो एसएससी ने पिछली बार पेपर लिया है, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, प्री, ये सब पेपर में देखो कैसे क्वेश्चन पूछे, वहां से आपको आइडिया मिलेगा। 35+ जिसकी जीएस वीक है और जिसकी वन लाइनर्स करंट अफेयर्स अच्छे हैं वो 40+ भी लेके आ सकता है। इतना हार्ड नहीं पूछते हैं एसएससी में, दिल्ली पुलिस में इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा कि आप 40 ना ला पाओ, क्योंकि जीएस इजी होगी, वन लाइनर होगी, आपको यूपीएससी वाले ने कि एकदम डिप में जाके आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? या 35+ जिनके वीक है और 40 जो काफ़ी अच्छे हैं, जिनके मैंने 40+ स्कोर करना है, मेहनत करिए आ जाएंगे। मैथ्स, मैथ्स मैं कराऊंगा, ज़्यादा बाहर से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूँ, मैं वीडियो डालूंगा उन चैप्टर से बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, प्लस माइनस आपको आते होंगे, एलसीएम एचसीएफ नहीं आते उन पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो मेरा बेस है वो एलसीएम एचसीएफ से होगा, क्योंकि मेरी ट्रिक्स एलसीएम से बेस है, टाइम एंड वर्क पूरा एलसीएम पे चलेगा, ठीक है? अगर आपको वो नहीं आता पहले उसे पक्का कर लीजिए। 9+ लाने हैं जो थोड़े मैथ्स में वीक है, 7+ भी चल जाएंगे उनके जो वीक है, 12+ जिनके अच्छे हैं, 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको थोड़ा घुमाएं, ठीक है? तो ये मैथ्स में आउट ऑफ 15 आपका स्कोर ये रहना चाहिए। रीजनिंग 35 मार्क्स की है, 30+ उन्हें लेके आने हैं जो काफी अच्छे हैं रीजनिंग में, 35 क्या वो 35 भी स्कोर कर सकते हैं अगर रीजनिंग उनकी अच्छी है, और ये सबसे अच्छी चीज है आपके लिए इस एग्जाम में जो आपको सिलेक्शन के अंदर बना रही होगी। अगर आप 30+ या 32+ कहीं स्कोर कर गए रीजनिंग में तो आप अपने आप का सिलेक्शन देख पा रहे होंगे, क्योंकि इस पे मेहनत कर लीजिए, रीजनिंग पे ये आपको पूरे मार्क्स देगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। 27+ जो जो थोड़ी बहुत जिन्हें प्रॉब्लम होती है मिरर्स वगैरह के क्वेश्चंस में, वो 27+ लेके आ जाएंगे, इट्स ओके, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट फील्ड में आप मेहनत करिए, हो जाएगा। ये मैंने बता दिया कि 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स हर, और आपको जो स्टडी करनी हो ग्रुप स्टडी कीजिए, अगर हो सके तो आपके पास कोई बंदा हो जो आपके आस पड़ोस में भी जो दिल्ली पुलिस या उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो,
तो एक ग्रुप स्टडी कीजिए, ग्रुप स्टडी टू से थ्री, दो से तीन बंदों के बीच में ही करें, ज्यादा बंदों के बीच में करोगे तो बात होने लगेगी, आप पढ़ नहीं पाओगे। और ग्रुप स्टडी करने का फायदा क्या है, जब आप ग्रुप स्टडी करोगे तो ग्रुप स्टडी में कुछ आप उन्हें बताओगे, कुछ वे आपसे पूछेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और जब कभी ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, इससे बहुत चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी, और जो उन्हें नहीं आती होगी उन्हें भी मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ पे फोकस करना है और कैसे करना है। मैथ्स की वीडियो मेरी 2 घंटे बाद आएगी, ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट करा रखी है, हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। हिस्ट्री की वीडियो देख के आप कमेंट में ज़रूर करी बताइएगा कि मुझे उनसे कंटिन्यू कराना है, क्योंकि वे आईएएस कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा डेप्थ में जाके हिस्ट्री, ये उनकी जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छी है, आप बता सकते हैं आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दूसरी चीज़, आप मुझे फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पे पेज है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी के नाम से। और अभी एग्ज़ाम कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि दिसंबर में है या नहीं है, अगर होता है तो 30 नवंबर तक सुना है कि एडमिट कार्ड आ जाएंगे, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। अगर 30 तक नहीं आते हैं तो समझ जाइएगा अब एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं है, लेकिन अगर आपको चलना है कि दिसंबर में ही होगा, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ ब्राइट फ्यूचर, जय हिंद, जय भारत।